श्रावस्ती जनपद में सुबह सवेरे से ही मौसम ने बदला अपना मिजाज। तेज गरज के साथ कई स्थानों पर हुई बूंदाबांदी, साथ ही गिरी आकाशीय बिजली, जिसकी चपेट में आकर एक की मौत जबकि एक युवक हुआ घायल। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल पर आप देख रहे हैं। अहम व महत्वपूर्ण खबर, जहां पर अचानक सुबह सवेरे मौसम ने अंगड़ाई ली। तेज गरज के साथ बूंदाबांदी शुरू हुई, साथ ही आकाशीय बिजली गिरी। खेत से काम कर लौट रहे दो लोगों पर आकाशीय बिजली गिरने का मामला प्रकाश में आया, जहां पर 45 वर्षीय व्यक्ति की मौके पर मौत हुई जबकि दूसरा शख्स घायल हुआ, जिसे इकौना के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका उपचार किया जा रहा है। श्रावस्ती बहराइच बॉर्डर के पसपुरवा तकिया गांव का यह पूरा मामला है, जहां पर 45 वर्षीय मुंशी की मौत हुई है जबकि रवि शुक्ला आकाशीय बिजली की चपेट में आकर घायल हुए हैं, जिन्हें इकौना के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। वहीं सूचना पर पहुंची बहराइच जनपद के विशेषज्ञ थाना की पुलिस मामले की जांच पड़ताल और कार्रवाई में जुटी हुई है। इकौना बीरपुर मार्ग के पसपुरवा तकिया गांव का यह पूरा मामला है, जहां पर आकाशीय बिजली का कहर सामने आया और एक लोग इसमें घायल हुए जबकि दूसरे व्यक्ति की मौत भी हो गई है। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। पसपुरवा तकिया गांव की ये तस्वीरें, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने की घटना सामने आई। उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से महत्वपूर्ण व अहम खबर। हालांकि घटनास्थल बहराइच जनपद में पड़ता है, थाना विशेषगंज इलाके के पसपुरवा तकिया गांव की यह घटना। मामले की जानकारी होते ही आसपास के तमाम लोग वहां मौके पर जमा हो गए। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार लोगों ने घटनास्थल पर पहुंचकर इस घटना को देखा समझा जाना। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। पसपुरवा तकिया गांव की ये तस्वीरें, जहां पर आकाशीय बिजली का कहर सामने आया, जिसमें एक व्यक्ति घायल हुआ जबकि दूसरे की मौत हुई है। वहीं घायल हुए रवि शुक्ला की हालत सामान्य बताई जा रही है, जो स्वस्थ हैं और ठीक ठाक हैं। हालांकि उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है।